हाय फ्रेंड्स, मैं अपूर्वा आप लोगों का स्वागत करती हूँ एमपी सक्सेसर्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी करंट अफेयर की, जनवरी टू दिसंबर 2020 के करंट अफेयर की क्लास थर्ड के बारे में। और यहाँ पर आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स की, जो आपके जनवरी से दिसंबर तक के करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। तो उसमें आज हम बात करेंगे PGCIL और RUMS के बीच अनुबंध, ये हमारा टॉपिक है। और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में और आगे के टॉपिक्स देखेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर में क्वेश्चन आपके इससे आ सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर है आगर, शाहजहाँपुर और नीमच के कुल 1500 मेगावाट सौर पार्कों के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका मतलब है PGCIL शॉर्ट में। और अगर आप फुल फॉर्म की बात करें इसकी तो ये है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, जिसका नाम रखा गया है शॉर्ट में रम्स के मध्य अनुबंध किया गया है। और हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यानी कि MNRE ने रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड रम्स को निम्न सोलर पार्क विकसित करने के लिए अधिकृत किया है। तो ये सोलर पार्क कौन कौन से, इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर ये तीन इम्पॉर्टेंट हैं, आगर सोलर पार्क 550 मेगावाट का और नीमच सोलर पार्क 500 मेगावाट का और शाहजहाँपुर सोलर पार्क 450 मेगावाट के लिए अनुबंध यहाँ पर किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो PGCIL भारत की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन कंपनी है, जो सौर पार्कों के सफल निष्पादन के लिए रम्स को सहयोग प्रदान करेगी। तो ये आपको याद रखना है कि किनके बीच अनुबंध किया गया, तो PGCIL और रम्स के बीच। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक होगा सौर ऊर्जा मध्य प्रदेश एवं विश्व बैंक, ठीक है। इसमें हम देखेंगे कि विश्व बैंक इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, ठीक है, रिडा के माध्यम से भारत में सोलर पार्कों के बुनियादी ढांचे के वित्तीय पोषण के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान कर रहा है। तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विश्व बैंक कर रहा है कितना, 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण किसके लिए, तो इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के माध्यम से भारत में सोलर पार्कों के बुनियादी ढांचे के वित्तीय पोषण के लिए, ये आपको याद रखना है। और विश्व बैंक अनुदान योजना के तहत सामर्थित प्रदेश के 100 पार्क, जिसमें 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है, जो देश का हमारा पहला मतलब कि सबसे ज़्यादा मेगावाट वाला अल्ट्रा सोलर पार्क है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे है 250 मेगावाट का मंदसौर सौर पार्क। और नेक्स्ट यहाँ पर है आगरा, शाहजहाँपुर और नीमच जिले के सौर पार्कों के वित्त पोषण हेतु विश्व बैंक की स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर है परीक्षा ऐप लेकर आए हैं आप लोगों के लिए क्रिसमस और हैप्पी न्यू ईयर धमाका ऑफ़र। ऑल टेस्ट सीरीज़ पर आपको, ऑल टेस्ट सीरीज़ और वीडियो कोर्सेज पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिलेगा यहाँ पर। और परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको, आप कोई भी वीडियो कोर्स या टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो आपको कूपन कोड यूज़ करना है MSUCCESS50, तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट सभी पर मिल जाएगा। और ऑफ़र 31 दिसंबर 2020 तक वैलिड है, तो जल्दी जाकर ऑफर का लाभ उठाएं और आज ही टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से अपनी तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। आगर मालवा जिले के 550 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है और यह संयंत्र प्रदेश में रीवा संयंत्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र होगा। तो पहला आपको याद रखना है रीवा का, जिसका शॉर्ट में नाम है रम्स, ठीक है, रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क। और सेकंड उसके बाद हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा नीमच का आपका, या सॉरी यहाँ आगर मालवा जिले में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारा नीमच, और नीमच जिले में 500 मेगावाट क्षमता और शाहजहाँपुर में 450 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो ये इनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है कि राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा 2020 के लता मंगेशकर सम्मान की। अगर यहाँ पर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सुगम संगीत के क्षेत्र में सुविख्यात गायिका सुश्री सुमन कल्याणपुर को वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा।
और इसकी घोषणा कब की गई है, तो 2020 में। और इसके साथ ही संगीत निर्देशक श्री कुलदीप सिंह को वर्ष 2018 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान प्रदान किया जाएगा। तो इन दोनों सम्मान, मतलब दो लोगों को 2017 और 18 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की घोषणा की गई है, और ये अभी वर्ष 2020 में की गई है, तो इन लोगों को अभी दिए जाएगा, ठीक है, सम्मान किया जाएगा। तो ये इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं, 2017 का सुश्री सुमन कल्याणपुर और 2018 का आपका रहेगा श्री कुलदीप सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा इसमें है कि इस सम्मान के अंतर्गत 2 लाख रुपए की आयकर मुक्त राशि और सम्मान पट्टिका तथा सॉल और श्रीफल भेंट किया जाता है, ये आपको याद रखना है। और साथ में प्रथम लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित कौन है, तो ये हैं श्री नौशाद संगीतकार, 1984-85 में ने लता मंगेशकर से सम्मानित किया गया था। तो इतना आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा है IAS सर्विस मीट 2020 का आयोजन। इसका आयोजन स्थल है RGPV नरोना प्रशासन अकादमी भोपाल, ठीक है, RCVP है यहाँ पर, RCVP, ठीक है, ये आपको, सॉरी RCVP, ये आपको याद रखना है। और अकादमी भोपाल है इसका आयोजन स्थल, IAS सर्विस मीट 2020 का। परिवर्तनकारी विचारों यानी कि न्यू आइडिया ऑफ चेंज के लिए 3 पुरस्कारों की घोषणा की गई इसमें, और पूर्व मुख्य सचिवों की एक ज्यूरी बनाई जाएगी जो सर्वोत्कृष्ट आइडिया चुनेगी। इसमें जो मुख्य सचिव थे ये श्री SR मोहंती थे, और मध्य प्रदेश IAS एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री ICP केसरी हैं। तो ये आपको याद रखना है, हालांकि ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है इनके नेम वगैरह, बस आपको ये याद रखना है कि ये सर्विस मीट 2020 में आयोजित किया गया था, और कहाँ पर, तो भोपाल में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।